आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी साइंस की एनसीईआरटी की क्लास 7 की डिस्कशन है, और इससे पहले हमने 6 क्लास की जो साइंस की डिस्कशन था वो अच्छे से हमने किया था इससे पहले, और उसमें एक टॉपिक छूट गया था जो कि मैं इस वीडियो में उस 6 क्लास का जो एक टॉपिक था डिस्कस कर लेंगे। तब इसके बाद हम 7 क्लास की जो साइंस है और इसका विस्तृत रूप से जो मेजर पॉइंट है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम 6 वाला जो एक टॉपिक छूटा हुआ था उसको पहले देख लेते हैं, तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए 6 वाला देख लेते हैं। हमने इसके ऊपर छोड़ा था दांत के जो डेंटल की जो उसकी जो जैसे ऊपर सिरा को डेंटल, फिर डेंटिन और उसके अंदर के जो पल्प्स कैविटी है, इसके बाद जो उसके आपका जो पार्ट्स हैं जिसे शिखर, ग्रीवा और जड़ कहते हैं। तो इसके बाद में हमारे यहाँ के बाद में ये वीडियो कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था, इसके बाद छूट गया था। एक टॉपिक ये है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, तो रतौंधी होती है, और विटामिन ए का जो स्रोत है वो पालक है, दूध है, गाजर है, दूध मक्खन है, पत्ता गोभी है और कद्दू, आम, टमाटर, ये जो विटामिन ए के स्रोत हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है। और जो आँखों की जो रोग होती है वो कंजक्टिवाइटिस होती है, जिसका लक्षण होता है आँखों का लाल होना, पीड़ा और उसमें आँखों में चुभन रहेगी, आँखों में आंसू निकलते रहते हैं और पलकों में भी सूजन हो जाता है, और लगातार लगातार जो होती है उसमें से कचरा निकलते रहता है, ये जो कंजक्टिवाइटिस की लक्षण है। तो ये विटामिन ए की जो स्रोत और उससे होने वाला रोग, और ये जो था इसका इतना ही छूटा हुआ था। और नीचे एक है सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान, जो कि किसी समुदाय के सभी सदस्यों को समुचित देखभाल करना ही जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान होता है। जैसे बस्ती में स्वच्छता, घर में रहने का स्थान, सुरक्षित जल, प्रदूषण आदि जो आती है वो सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान है। जो एनसीईआरटी 6 क्लास के जो लास्ट टॉपिक थी इसके बारे में एक ये चीज़ दिया हुआ था। तो इसमें बस इतना ही। अब इसके बाद जो है हम क्लास 7 की जो डिस्कशन है देख लेते हैं। तो आइए क्लास 7 का पूरा डिस्कशन देख लेते हैं। इसमें जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास 7, इसका जो मेन अध्याय 1 का जो मेन पॉइंट मुझे लगा वो ये था कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सर्वोत्तम जीव हैं और जीव हैं वो एक कोशिक थे। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है विज्ञान की उत्पत्ति, सॉरी जीवन की जो उत्पत्ति है 3.5 अरब वर्ष पहले हुई थी, इसका अनुमान 3.5 वर्ष पहले लगाया जाता है। स्वयं पृथ्वी की आयु भी लगभग 4.5 अरब वर्ष है। तो जीवन की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष, और जो पृथ्वी की आयु अभी तक लगभग जो अनुमान लगाया गया है वो 4.5 अरब वर्ष है। ठीक है, इसके बाद में जो पॉइंट है वो कह रहे हैं भूपर पट्टी का जो ठोस भाग होता है वो स्थल मंडल, समुद्र, नदियाँ, अन्य जल स्रोत, जल मंडल तथा गैसीय आवरण, ये जो होते हैं वायुमंडल का भाग होते हैं। ठीक है, तो भूपर पट्टी के जो ठोस भाग होता है उस पे कौन कौन से होते हैं, स्थल मंडल आते हैं, समुद्र, नदियाँ, अन्य जल स्रोत जिसे जल मंडल भी कह सकते हैं, या गैसीय आवरण, ये सब आवरण जो वायुमंडल कहलाता है। तो कार्बन, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यह एक विषैली गैस है, इसे ग्रहण करने पर बेचैनी, सिरदर्द और निष्क्रियता उत्पन्न होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये बताया गया है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में फिर बताया जा रहा है कि यह अल्प मात्रा में भी ग्रहण करने पर क्या होता है, गले में जलन होती है। ग्रहण किसके द्वारा किया जाएगा, श्वसन द्वारा, यानी सांस लेने के माध्यम में जो आप सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेंगे उसमें इससे हानि जो होगी वो गले में जलन हो जाता है, खराश उत्पन्न हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में जब आप श्वसन करते हैं तो श्वसन नली में क्या होता है कि वो क्यूकस जो होती है वो स्राव अधिक हो जाता है, श्वसन नली में क्यूकस जो होती है सॉरी म्यूकस जो होती है वो जो होता है स्राव अधिक होने लगता है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी अनेक रोग कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण से आपको श्वसन संबंधी जो रोग होंगे वो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, दमा, फेफड़े में कैंसर, यह सब वायु प्रदूषण से रोग होती है।
जल प्रदूषण से हैजा, अतिसार, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया रोग भी कहते हैं, ये फ्लूरोसिस तथा अस्थियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। यह है जल प्रदूषण से होने वाले डिजीज। इसके बाद जो टॉपिक है वो कह रहे हैं जल को साफ करने के लिए अर्थात पीने योग्य बनाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो क्लोरीनीकरण किया जाता है, यानी क्लोरीनीकरण के माध्यम से आप जल को पीने योग्य बना सकते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट को जो होती है इसमें मिलाकर जो कि कीटाणुनाशक होते हैं जो जल में उपस्थित कीटाणुओं को मार देते हैं, जो होता है कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या क्लोरीनीकरण करिए या पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाइए जो उसमें उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करके मानव के उपयोग योग बना देता है। तो ये है। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊर्जा के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है, यानी पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होगा वो ऊर्जा का आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा है जब जल बर्फ में बदल जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, यानी बर्फ जब पिघलेगा तो आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि जल की समान मात्रा के लिए बर्फ का आयतन द्रव के जल के आयतन से अधिक है। समझ में आई? फिर से कह रहा हूँ एक बार सुनिए, जब जल बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ अब यह हो सकता है कि जल की समान मात्रा के लिए बर्फ का आयतन द्रव के जल के आयतन से अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे जल का जो घनत्व होगा 1 kg/L होगा, जो इसका उच्चतम मान है। ताप के 4 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने पे या घटने पे भी जल के घनत्व का मान घट जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल का घनत्व होगा 1 kg/L होता है, ठीक है, जो कि उच्चतम मान है। ताप के जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने पर या घटने पे, फिर से बोलो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदलने पे या घटने पे, सॉरी बढ़ने पे या घटने पे क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो इस पे जो होगा जल का घनत्व क्या होगा, हमेशा मान घटता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान बढ़ता है या घटता है तो उसमें जल का घनत्व का मान घटता है। जल एक अच्छा विलायक है, शुद्ध जल, रंग हरित, ठीक है, रंग रहित, सॉरी रंग रहित यानी जिसका कोई रंग नहीं, एवं स्वाद रहित होता है। तो आप जानते हैं शुद्ध जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, सिरिंज में जो इंजेक्शन देने में शुद्ध जल का उपयोग किया जाता है, वो शुद्ध जल होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। और नेक्स्ट कह रहे हैं वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसका गलनांक कहते हैं, यह ताप उस पदार्थ का जो होगा हिमांक भी होता है, ठीक है, जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसका गलनांक कहते हैं, और वह जो ताप होगा उस पदार्थ का हिमांक भी होगा, क्योंकि किसी भी पदार्थ का द्रवण एवं हिमन यानी द्रवणांक और हिमांक जो होगा एक ही ताप पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जल का हिमांक एवं क्वथनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी हिमांक जो होगा 0 डिग्री और क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं 1 लीटर समुद्र में समुद्र के जल में जो होता है लवण कितने घुले होते हैं, तो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है, ठीक है, तो 35 ग्राम होता है 1 लीटर जल में। पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, आपको पता है, ठोस, द्रव, गैस। प्रत्येक द्रव छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, इन कणों को परमाणु अणु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ठोस अवस्था में परमाणुओं अथवा अणुओं की स्थिति निश्चित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव अवस्था दृढ़ नहीं होते हैं क्योंकि इसमें परमाणु अथवा अणु गति कर सकते हैं। गैसीय अवस्था में परमाणुओं एवं अणु की गति स्वतंत्र एवं अनियमित होती है। नेक्स्ट, ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं क्योंकि इनमें परमाणु एवं अणु परस्पर प्रबल आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि आकृति एवं आयतन क्या होता है, इनका निश्चित होता है।
इनके जो परमाणु और अणु होते हैं परस्पर बहुत ही नजदीक प्रबल आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। द्रव उस पात्र की आकृति ग्रहण कर लेते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। इन्हें कुछ सीमा तक संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि इनमें अणु एक दूसरे से अपेक्षाकृत कम प्रबल रूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसी तरह ठोस अथवा द्रवों की तुलना में जो गैस होगा इनमें अणुओं की जो परस्पर आकर्षण बल होगा वो नगण्य होता है, अतः वे धारक पात्र की आकृति एवं आयतन ग्रहण कर लेते हैं तथा इन्हें आसानी से संपीड़ित भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ठोस के कणों की जो वायु में ठोस के कणों की वायु में यादृच्छिक या अनियमित गति जो होती है वो ब्राउनी गति होती है। यानी ब्राउनी गति किसे कहते हैं? तो ठोस के कणों की वायु में यादृच्छिक गति जो होगी वो ब्राउनी की गति कहलाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं गैस एवं ठोस के अणुओं का क्रमशः वायु एवं द्रव में संचलन विसरण कहलाता है। पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी मिश्रण में जो अनेक तत्व अथवा यौगिक अथवा दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं, यानी मिश्रण में अनेक तत्व या तो यौगिक या दोनों, ये क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं। किसी मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों का उपयोग करके आसानी से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी यौगिक के अणु में पूर्ण संख्या में परमाणु उपस्थित रहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, प्रसाधन कक्ष, टंकी साफ करने में किया जाता है, एसीएल जिसे बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो सुनार होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, जो स्वर्ण के कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? सोना चांदी के आभूषणों की सफाई करने में किए करते हैं। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है, H2SO4 जिसे कहते हैं। टार्टरिक अम्ल इमली में मिलता है, लैक्टिक अम्ल फटे हुए दूध में, और फॉर्मिक अम्ल चिट्टियों में, ये याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल ये जो होती हैं प्रबल अम्ल होते हैं। तो दुर्बल अम्ल अम्ल कौन होते हैं? तो एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तथा कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है। और सोडियम ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर के को नीले में क्या करता है? बदल देता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और सोडियम ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। धातुओं के वे हाइड्रोक्साइड जो जल में विलय हैं क्षार कहलाते हैं, अतः सभी घुलनशील हाइड्रोक्साइड क्षार हैं। लिटमस विलयन अम्लों के साथ लाल एवं क्षारों के साथ नीला रंग देता है। तो लिटमस जो विलयन है अम्ल के साथ क्या रंग देगा? अम्ल के साथ लाल, याद रखिए, अम्लों के साथ लाल और क्षारों के साथ नीला। मिथाइल ऑरेंज ऐसा एक अन्य पदार्थ है जो अम्लों के साथ नारंगी तथा क्षारकों के साथ पीला रंग देता है। तो मिथाइल ऑरेंज ऐसा एक अन्य पदार्थ है जो क्या करता है? अम्ल के साथ नारंगी देगा और क्षारे के साथ पीला। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग उदर की अम्लता को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में
किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग उदर की अम्लता यानी कि जो पेट की अम्लता को क्या करते हैं उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसमें कुछ लवण का नाम है और मूल अम्ल है और उपयोग है, तो देख लेते हैं। जो लवण का नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे मार्बल चूना चाक भी कहते हैं, ठीक है। इनका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनते हैं, ठीक है। इसका उपयोग मार्बल के रूप में फर्श में लगाना या चूना में इस उपयोग होता है। और जो इसका मूल अम्ल होता है कार्बोनेट अम्ल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मूल अम्ल होगा कार्बोनेट अम्ल, उपयोग मार्बल के रूप में किया जाता है या चूना, ये दोनों मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनते हैं। आपको जो नेक्स्ट है अम्ल और लवण है वो कैल्शियम सल्फेट है, जिसे जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसका जो लवण है मूल अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है और उपयोग यहाँ किया जाता है दीवारों के प्लास्टर में या सांचे बनाने में, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका जो अम्ल है मूल अम्ल वो कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। और इसका उपयोग धुलाई सफाई में मृदु जल और कांच में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट इस जिसे इप्सम लवण भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो मूल अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसका स्वास्थ्य लवण में उपयोग होता है। नेक्स्ट जो लवण का नाम है वो है कॉपर सल्फेट है, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं और मूल अम्ल क्या कौन सा है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। उपयोग इसका जो होता है फफूंद नाशक होता है, यानी जो फफूंद वो निकलते हैं उसको नाश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह कैल्शियम फास्फेट है, जो इसका मूल अम्ल फास्फोरिक अम्ल है, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। अमोनिया क्लोराइड का मूल अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका उपयोग उर्वरक शुष्क सेल में उपयोग किया जाता है। अमोनिया नाइट्रेट का जो मूल अम्ल है वो नाइट्रिक अम्ल है और इसका उपयोग उर्वरक और विस्फोटक पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह अमोनिया सल्फेट जिसका मूल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसका उपयोग उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का विलयन लाल अथवा नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। यह एक उदासीन लवण है। सोडियम क्लोराइड जो है जो इसका विलयन होगा वो लाल अथवा नीले लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, अर्थात यह उदासीन लवण है। जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिज पौधे की पत्तियों तथा पुष्पों जैसे अन्य भागों तक संवाहित किया जाता है। यह जाइलम द्वारा होता है। तो जाइलम का जो उपयोग है होता है जो पेड़ के जड़ों द्वारा बने पदार्थ खाद्य पदार्थों क्या होता है ये इससे जो पौधे की पत्तियों और पुष्पों जैसे अन्य भागों में ये उनके खनिज लवण को जल को पहुंचाते हैं। कहाँ से? जड़ों से, मृदा से। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन भी पौधे के विभिन्न भागों और अन्य प्रकार के संवाहक ऊतकों तक फोयम द्वारा संचारित किया जाता है। यानी जो पेड़ों में फोयम होता है उसकी उपयोगिता क्या है? तो ये पत्तियों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है, जो खाद्य पदार्थ बनता है, वो पत्तियों से जड़ों तक यानी अन्य ऊतकों तक ये पहुंचाते हैं। तो जाइलम और फोयम का आपका उपयोग पेड़ों में क्या क्या है वो आपको पता हो गया। नेक्स्ट, कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। मानव में एमिलेस, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेस, एमिनोपेप्टाइलेस तथा सुक्रोज, ये जैसे जो पाचक एंजाइमों का उत्पादन लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, अग्नाशय और आंत द्वारा किया जाता है। थोड़ा लॉन्ग हो गया, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। मानव में जो है एमिलेस, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेस, एमिनोपेप्टाइलेस, ठीक है, तथा सुक्रोज जैसे पाचक एंजाइम का उत्पादन लाल ग्रंथियों, जठर ग्रंथियों और अग्नाशय या तथा आंत्र द्वारा क्या किया जाता है? किया
इसका उत्पादन किया जाता है। मस्तिष्क में 12 जोड़ी तथा मेरु रज्जु में 31 जोड़ी क्या होती है? तंत्रिकाएं। ठीक है, याद रखिएगा, मस्तिष्क में 12 पेयर और मेरु रज्जु में 31 पेयर। अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्रावित हार्मोन और हार्मोन के प्रभाव को देख लेते हैं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां में पहला है पीयूष ग्रंथि है। इसका इसमें कौन से हार्मोन स्रावित होता है? तो ट्राइट्रोपिक, ओ सॉरी थायरोट्रोपिक। ठीक है, इसमें जो पीयूष ग्रंथि में हार्मोन का स्राव होता है वो थायरोट्रोपिक है, जिसे TTH भी कहते हैं। और इसका प्रभाव जो होता है इस हार्मोन का, थायरोक्सिन बनाने के लिए पाइराइड को जो होता है उत्तेजित करने में उपयोग होता है। थायराइड जो होगा इसमें जो हार्मोन उत्पन्न होगा वो थायरोक्सिन होता है, जिसका उपयोग मतलब ये हार्मोन का जो प्रभाव होता है श्वसन दर का उद्दीपन TTH हार्मोन की अधिक मात्रा के श्रवण में रोधी होता है। अधिक वृक्क जिसे एड्रिनल भी कहते हैं, इसका जो होता है आपका जो हार्मोन होता है एड्रिनलिन होता है, एड्रिनलिन, और खतरे के प्रति यह सचेत करता है। अग्नाशय है, इसमें इंसुलिन का हार्मोन स्राव होता है, यह रुधिर में शक्कर की मात्रा का नियमन करता है। वृषण, टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसमें पुरुषों में श्वसन तथा शुक्राणु संवर्धन में यह सहायक होता है। जिसे तो वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुषों में ये जो होता है गौण लैंगिक लक्षणों का भी विकास का नियंत्रण करता है। अंडाशय, जिसमें एस्ट्रोजन होता है, ये क्या होता है, ये इस हाँ याद रखिएगा, जो जो एस्टेस्ट्रोट्रोन है, ठीक है, ये पुरुषों में, और जो सॉरी टेस्टेस्ट्रोन जो है वो पुरुषों में, और एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं में मिलता है। तो ये क्या है, एस्ट्रोजन का जो उपयोग क्या है, जो क्या कार्य है, तो रुधिर परिसंचरण को बढ़ाता है और स्त्रियों को में जो गौण लैंगिक लक्षणों का विकास का नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा, सामान्य पादप हार्मोन देख लेते हैं और उनका कार्य देख लेते हैं। हार्मोन जो होता है पादपों में वो ऑक्सीन क्या है, इसका कार्य है वृद्धि का उद्दीपन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है इसका उपयोग है कोशिका विभाजन में उद्दीपन। जिबरेलिन हार्मोन जो है वो वृद्धि का उद्दीपन और पुष्पण का उद्दीपन करती है। तो ये कुछ हार्मोन है मनुष्य में उत्पन्न होने वाले और आपको पौधों में उत्पन्न होने वाले, तो दोनों एक बार ध्यान से आप रिवीजन कर लीजिएगा। जल संवहन ऊतक, ठीक है, जिसे जिसमें जाइलम और खाद्य ऊतक फोयम के मध्य विभाजित होने वाला सक्रिय ऊतक कैबियम कहलाता है। ठीक है, जो जाइलम और फोयम, आपको पता है कि जाइलम का क्या उपयोग है, फोयम का क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो जाइलम का आपको इसे ऊपर पढ़ाया है मैंने, तो आप ध्यान आपको याद ही होगा। तो वो कह रहा है जल संवाहक ऊतक जाइलम और खाद्य ऊतक संवाहक जो होता है फोयम के मध्य विभाजित होने वाला सक्रिय ऊतक जो होंगे वो कैबियम कहलाते हैं। सभी जीव पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही तरह के एक नए जीव को जन्म देते हैं। जनन की दो विधियां हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन में द्विखंडन, मुकुलन, बीजाणु बनना, पुनरुद्ध भवन तथा कायिक प्रवर्धन सम्मिलित है। इस सभी प्रक्रमों में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। कायिक प्रवर्धन मुख्यतः किसमें होता है, पौधों में। पौधों में नर युग्मक प्रांगणों के अंदर पाए जाते हैं, पौधों में नर युग्मक प्रांगणों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाशय में बनते हैं। निषेचित और विकसित बीजांड जिसमें भ्रूण उपस्थित रहता है क्या कहलाता है, बीज। युग्मनज के विभाजन द्वारा भ्रूण बनता है जो अंततः वयस्क के रूप में विकसित होता है। तो युग्मनज जो होता है इसके विभाजन से ही भ्रूण का उत्पन्न होता है, भ्रूण बनते हैं और अंततः यह वयस्क के रूप में
विकसित हो जाते हैं। जनसंख्या के विस्फोट के कुछ प्रमुख कारण हैं, जो कारण देख लेते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है? शिक्षा की कमी एक तो है, शिक्षा की कमी के कारण आपको पता है, इस शिक्षा की कमी के कारण तो क्या होता है कि जनसंख्या की हमारी जो वृद्धि है वो ज़्यादा हो रही है। लोगों की इसके बारे में, इसके लाभ हानि या इसे फ्यूचर में पड़ने वाले प्रभाव या अभी समस्याओं से जो हम जूझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्वपूर्ण को दर्शाता है। तो इसकी कमी के कारण जनसंख्या में विस्फोट होता है। जैसे कोई लैंगिक संबंध बनाने के जो होता है, जागरूकता नहीं होती है, प्रोटेक्शन का उपयोग नहीं होता है, किसी जो आप जो कोई शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये सब शिक्षा की जो है जनसंख्या के विस्फोट में इसका उपयोग है, महत्व है। पारंपरिक विश्वास भी है। पारंपरिक विश्वास किस रूप में? विश्वास ये किया जाता है कि भगवान का दिया हुआ वरदान है संतान, तो होने देते हैं, इस तरह का भी विश्वास है। आर्थिक कारण में वही कि जितने बच्चे होंगे, जितने तो ज़्यादा कमाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिले आएगा। और मृत्यु दर क्या है? इसका भी कम है, जिसके कारण जनसंख्या और बढ़ रही है। इन विटो निषेचन क्या है? याद रखिएगा, इन विटो निषेचन एनसीईआरटी में बताया गया है, तो हम देख लेते हैं। इन विटो निषेचन, इसमें नर युग्मक यानी पिता से माँ के गर्भ में मादा युग्मक के साथ संलयित नहीं होने के कारण चिकित्सकों द्वारा पुरुष यानी पति का जो वीर्य होगा, पुरुष का जो वीर्य होगा शुक्राणु, ठीक है, तथा मादा यानी स्त्री के जो अंडाणु होगा को इकट्ठा कर अंडाणुओं को शुक्राणुओं से क्या किया जाए, निषेचित किया जाता है। यह निषेचन क्या होगा? मादा के शरीर से बाहर होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनविट्रो निषेचन। लगभग इसका जो अवधि होगा, एक सप्ताह बाद क्या किया जाएगा, इस इनविट्रो प्रक्रम के द्वारा एक या एक से अधिक सक्षम भ्रूणों को माता के जो गर्भ में होगा वो स्थापित कर दिया जाता है। तो ये है इन विटो निषेचन। ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा हमेशा कैसा होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। मोमबत्ती क्या है? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा में परिवर्तित करता है। उसी तरह विद्युत बल्ब वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट, द्रवों में ठोसों से अधिक तथा गैसों में अधिकतम प्रसार होता है। तो द्रवों में क्या होता है? ठोसों से अधिक तथा गैसों में अधिकतम प्रसार होता है। गर्म जल का घनत्व ठंडे जल से कम होता है। द्रव या गैस ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा करती है। चालन या संवहन विधि द्वारा ऊष्मा के प्रवाह की जो प्रवाह के लिए जो माध्यम का होना क्या है? आवश्यक है। चालन या संवहन विधि द्वारा ऊष्मा के प्रवाह के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण को विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट, कथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वो कथनांक होता है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। ठीक है, फिर से दोहराता हूं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का जो ताप होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। नेक्स्ट, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही हम आसपास की क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन क्या है वो आपको पता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का यह गुण प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण कहलाता है। नेक्स्ट, आर्मन हिपोलाइट लुई फिजो नामक वैज्ञानिक ने
वैज्ञानिक का नाम है आर्मंड हिप्पोलाइट लुई फिजू नामक वैज्ञानिक ने वायु में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात किया। साथ ही उसके अगले साल फोको के साथ मिलकर, ये भी एक वैज्ञानिक है फोको, इनके साथ मिलकर यह सिद्ध किया कि प्रकाश पानी की अपेक्षा वायु में अधिक तीव्र चाल से चलता है। ठीक है, फिर बताया नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रकाश की चाल है, जिसकी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्रमा चंद्र ग्रहण, तथा इसी प्रकार जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर। ठीक है, तो आप याद रखिए, तो इस एक कैसा कंडीशन आएगा कि पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी इसके मतलब बीच में हो जाएगी, तभी तो इसका छाया चंद्रमा पर पड़ेगा, तो इस कंडीशन में चंद्र ग्रहण होगा। और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी चंद्रमा क्या होगा, बीच में होगा, तभी तो पृथ्वी पर छाया पड़ेगी, तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को होता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। परावर्तन के दो नियम हैं, पहला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, समतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से यह जानने के लिए करते हैं कि हम कैसे दिखाई देते हैं, यानी आईना जो दर्पण जो आप मिरर देखते हैं वो समतल दर्पण का उपयोग होता है। भीतरी सतह जिसका पृष्ठ होता है अवतल होता है, और बाहरी सतह जो होगा उत्तल, और इन दोनों को जो कहते हैं हम मिलाकर गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण का भीतरी सतह क्या होगा, यानी जो पृष्ठ होगा वो अवतल होगा, और बाहरी सतह जो होगा क्या होगा, उत्तल होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार जितना ही होता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है कि जितनी दूरी पर वस्तु इसके सामने रखी जाती है। तो समतल दर्पण के उपयोग ये बता रहा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा सदैव वस्तु के बराबर, उसके आकार के बराबर जितना है उतना ही बनेगा, और इस दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर उस वस्तु को उस दर्पण के सामने रखी जाती है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे होगा वो आभासी प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा तथा आकार में वस्तु से छोटा। तो फिर से बता रहा हूं, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में वस्तु से छोटा। इसका उपयोग कहाँ होता है, साइकिल में, स्वचालित वाहनों में, जिसे जो साइडर मिरर के तौर पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, जो प्रकाश को दूर तक फैलाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जब परावर्तित किरणें
दर्पण के सामने वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। नेक्स्ट, जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं तो क्या करती हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के जो डॉक्टर होते हैं इनका इन्हें ये जो होता है ये प्रकाशित यंत्र में करते हैं। जो दांत के डॉक्टर हैं अवतल दर्पण का ही उपयोग करके प्रकाशित यंत्रों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को इसके फोकस से दूर रखते हैं तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह अवतल दर्पण बता रहा है कि वस्तु को इसके फोकस से दूर रखते हैं तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जब वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच में रखते हैं, कहाँ? वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच में, तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ है 1 सेकंड में एक दोलन पूरा करना। मनुष्य के जो श्रव्यता की आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि प्राश्रव्य होती है, यानी मनुष्य नहीं सुन पाता है, नहीं सुन पाएगा। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का गमन निर्वात में नहीं होता है। याद रखिएगा, ध्वनि का गमन निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक तेजी से चलती है। तो ध्वनि जो होगा वायु की अपेक्षा कहाँ ज़्यादा तेज चलेगा? द्रव में। ठोसों में ध्वनि वायु या द्रवों की अपेक्षा क्या होगी? अधिक तीव्र गति से चलती है। यानी ठोस में ध्वनि वायु और द्रवों से भी ज़्यादा तीव्र गति से चलती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी जो इको साउंड होता है, प्रतिध्वनि जो हमें बोलने के बाद कुछ सेकंड बाद पुनः सुनाई देता है वो प्रतिध्वनि होता है, जिसे इको साउंड इफेक्ट कहते हैं। इसको सुनने के लिए मूल सतह, यानी जो आप खड़े हैं जहाँ से बोल रहे हैं, वो मूल सतह और परावर्तन जहाँ से लौट कर आ रहा है, टकरा के आ रहा है, कि बीच की दूरी जो होगी वो 17 मीटर या उससे अधिक हो, ठीक है? और दोनों ध्वनियों के 1/10 यानी 1/10 सेकेंड का समय अंतराल हो। वायु में ध्वनि की चाल जो होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है? तो वायु में ध्वनि का चाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? 340 मीटर प्रति सेकंड होता है। और इको इको का जो समय होगा, प्रति ध्वनि सुनने का जो समय होगा, वो मूल ध्वनि और मूल कहने का मतलब सतह और परावर्तन सतह के बीच की दूरी आपको पता है 17 मीटर से अधिक होना चाहिए, और इनकी जो समय का अंतराल होना चाहिए 1/10 सेकेंड होना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने तड़ित से संबंधित बहुत चर्चित प्रयोग किए थे। इन्होंने ही कहा था कि तड़ित एक प्रकृति में घटने वाली वैद्युत परिघटना है। आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, ठीक है? अर्थात सजातीय आवेश प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश आकर्षित करती है। तो मैग्नेट जैसे क्या होगा, प्लस माइनस जो सिरा होगा वो क्या होगा, सटेगा, आकर्षित करेगा। प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा तो क्या करेगा, वो दूर हटेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? अनाज है, शर्करा है। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? वनस्पति घी है, तेल है, सूखे मेवे हैं, दूध है। और विटामिन शरीर के नए ऊतकों का निर्माण, उनके रख रखाव और वर्तमान ऊतकों में होने वाली क्षति में सुधार का कार्य करती है। विटामिन का क्या कार्य है? शरीर में नए ऊतक का निर्माण करेंगे, इनका रख रखाव करेंगे, वर्तमान ऊतक में जो क्षति होगी उनका सुधार करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 16.5
8 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है तो उपभोग न की गई अर्थात अतिरिक्त जो ऊर्जा होगा वो हमारे शरीर में किसके रूप में, वसा के रूप में एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की यौगिक होते हैं। इसका मुख्य दो स्रोत वनस्पति तथा जंतु, जो दूध, अंडा, मांस और मछली, दाल, ये जो होते हैं इनका स्रोत हैं। प्रोटीन जो होंगे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। इनका मुख्य दो स्रोत तो वनस्पति और जंतु से प्राप्त किया जाता है। जंतुओं मतलब दूध, अंडा, मांस और मछली और दाल से प्राप्त किया जाता है, जो जंतु में पाए जाते हैं, जंतुओं के जो स्रोत हैं। विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह हमारे शरीर की विशिष्ट प्रक्रियाओं को संपन्न करने में क्या करता है, सहायता करता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। ये विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है, इसके कमी से क्या सी रोग होती है, रतौंधी होती है। और ए विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन डी है, जिसे कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, और इसके जो रोग होता है वो रिकेटस होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण कौन सी रोग होगा, वो रक्त अलापता यानी एनीमिया होता है। ठीक है, और इसको टोकोफेरॉल भी कहते हैं। ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है, डी ई और के। ठीक है, ए डी ई और के जो होंगे वसा में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए भी जो है, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, इसे रेटिनॉल और रतौंधी, रेटिनॉल जिसे कहते हैं विटामिन ए को, और इसकी जो कमी से रतौंधी होती है। उसी तरह जो विटामिन डी है कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जिससे रिकेटस रोग होता है, और विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं, उसे एनीमिया रोग होता है, और विटामिन के जिसे आपको फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, इसमें रक्त का थक्का न बनता है, यानी जो कहीं भाग, शरीर के कोई भाग कटने के बाद खून लगातार बहते रहता है वो, और वो रुक नहीं पाता है, यानी कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, रक्त का जो थक्का है नहीं बन रहा है, नहीं जम रहा है खून, तो विटामिन के की कमी के कारण होता है। जल में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं, बी है और सी है। तो बी बी का जो B1 जो है, जिसे थायमिन कहते हैं, ये बेरी बेरी रोग होता है। B2 जिसे रिबोफाल्विन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं, B12 को कोबालामीन कहते हैं। ठीक है, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं और B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। ये सब विटामिन जो बी हैं, ये सारे जल में घुलनशील हैं। विटामिन सी जिससे स्कॉर्बिक जो स्कॉर्बिक हो कहते हैं, और इसे कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग जो क्या होता है, वो मसूड़ों से खून, दर्द और त्वचा में रुखरापन आदि होता है विटामिन सी के कमी के कारण। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। यह रोग औरतों में जो होता है गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा होने की संभावना होती है, उनमें खूनों की कमी हो जाती है, यानी आयरन की गोली देने के बाद क्या होता है, उनके खूनों में आयरन की जो होती है कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड जो घेघा रोग होते हैं, इसमें क्या होता है, गले की ग्रंथियां जो होती है सूज जाती है, यानी फूली हुई दिखाई देती है। बच्चों में आयोडीन की कमी से जो होगा, इनकी जो होगी मानसिक विकृति के ये शिकार हो जाते हैं, यानी जो बच्चों में आयोडीन की कमी से क्या होंगे, मानसिक विकृति का उत्पन्न होना उनके लिए घातक हो सकता है। इसलिए उनको आयोडीन की कमी से मानसिक क्या होता है, कम डेप मानसिक जो होती है विकृति ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों में जो कुपोषण से संबंधित दो रोग होते हैं, एक क्वासियोर्कर कहते हैं, एक जिसे मरासमस या सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, इनके जो क्वासियोर्कर जो होते हैं, प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होता है, और जो मरासमस होता है यानी सूखा रोग होता है, वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट के अत्यधिक कमी से होता है, ठीक है। और जो क्वासियोरकर का लक्षण है वो बच्चों की वृद्धि और विकास जो होगा रुक जाएगा। उसी तरह मरासमस के जो लक्षण है वो अत्यधिक दुबला पतला और उसकी वृद्धि एवं विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा, इसका ये लक्षण है। जो क्वासियोरकर में एक और लक्षण है, चेहरा और जो उनके हाथ पैर होते हैं सूज जाते हैं, चेहरा जो होगा आभाहीन हो जाएगा, उनमें रुखरापन हो जाएगा, कोई लाइटनेस नहीं होगी, त्वचीय विकार हो जाएगा और डायरिया का जो होगा वो शिकार हो जाएंगे। ये होता है। अब बच्चे में दो कुपोषण से संबंधित रोग हैं, एक क्वासियोरकर एक मरासमस, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जो एक येल प्रगत सुब्बा राव जो थे, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, इन्होंने खोज किया था, ये वैज्ञानिक थे, एल प्रगत सुब्बा राव आंध्र प्रदेश खोज किया था एनीरसिया, एनर्सियस एनीमिया नामक कारक की खोज इन्होंने ही की थी। किसने? एल प्रगत सुब्बा राव ने एनर्सियस एनीमिया नामक कारक की खोज की थी, और इन्होंने उपचार के लिए विटामिन जो B12 की है महत्वपूर्ण भूमिका को बताया था, और इन्होंने रक्त कैंसर की प्रभावी औषधि डिऑप्टेरिन की भी खोज की थी। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की जो प्रभावी औषधि है टीऑप्टेरिन भी इन्होंने ही विकसित किया था। तो ये हमारी NCERT Class 7 की पूरी डिस्कस थी, मेन मेन पॉइंट जो हम प्रीलिम्स UPSC या अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे, और आगे की जो होगी Class 8 की होगी। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक करें, और कोई आपको डाउट हो तो आप, कोई शिकायत हो या जो भी हो तो आप कमेंट प्लीज करिए, और इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके शेयर कर लीजिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके।